3, 2, 1 स्टार्ट। मिस्टर वाइस चेयरमैन सर, इन द कोर्स ऑफ हिज रिप्लाई द ऑनरेबल मिनिस्टर रेफर्ड टू सम ऑफ द रिमार्क्स मेड ऑन द 18th व्हाइल रिप्लाइंग टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड ही सेड दैट हिज रिमार्क्स वर मिसअंडरस्टूड बाय सम ऑफ द मेंबर्स। सर, आई रियली एडमायर माई ऑनरेबल फ्रेंड फॉर मेकिंग अ रेफरेंस टू इट, बट इफ आई से दैट सम मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर आर वाइस, हाउ यू विल टेक इट? ऑफ कोर्स इन हिज वायंसी ही मेड दैट स्टेटमेंट। आई डू नॉट नो वेदर ही रियली इंटेंडेड इट, बट इट ओनली मेंट दैट सम मेंबर्स इन द अपोजिशन आर वाइस एंड सम आर फुलिस। ऑफ कोर्स टेकन इन अ लाइटर वेन इट मीन्स नथिंग, बट आई थिंक सच अ स्टेटमेंट एज अ होल कुड हैव बीन अवॉइडेड। नाउ सर, आई वेलकम सम ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड बाय हिम एंड आई सबमिट दैट इन अप्रैल द वैकेंसीज वर 64 एंड इन जुलाई द वैकेंसीज वर 67। अकॉर्डिंग टू हिज ओन एनालिसिस ऑफ द डिसीज ऑफ एरियर्स एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट्स द जज स्ट्रेंथ वॉज लेस एंड देयर फोर दिस बैकलॉग इज देयर। पैरा, नाउ द पेंडेंसी एज ऑन 31st December 1987 वॉज 5.5 lakhs। इट हैज नाउ एक्सीडेड 6 lakhs। ऑन दैट डे इन द दिल्ली हाई कोर्ट द पेंडेंसी वॉज 2000 odd। नाउ द पेंडेंसी इज ओवर 25,000। द सैंसर्ड स्ट्रेंथ ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट इज 18 परमानेंट जजेस एंड 3 एडिशनल जजेस। द हाई कोर्ट हैज 5 सर्विस जजेस आउट ऑफ होम 2 आर फ्रॉम आउटसाइड। इन प्रिंसिपल आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू जजेस बीइंग ब्रॉट फ्रॉम अदर स्टेट्स, बट ऑफ द 5 सर्विस जजेस एट लीस्ट 2 आर टू बी फ्रॉम आउटसाइड, दैट मीन्स 3 आर फ्रॉम दिल्ली। द जजेस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट जुडिशियरी डू नॉट गेट एनी चांस ऑफ प्रमोशन। आई हैव वर्कड इट आउट एंड आई फाइंड दैट प्रमोशन इज गिवन टू ओनली अबाउट 40% ऑफ द जजेस फ्रॉम द सर्विस कैडर। पैरा, देयरफोर दे डू नॉट हैव द नेसेसरी इंसेंटिव। आई थिंक समथिंग हैज टू बी डन इन दिस रिगार्ड ऑल्सो टू गिव प्रॉपर इंसेंटिव्स टू द जजेस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट जुडिशियरी। इफ अमंग द सबऑर्डिनेट जुडिशियरी देयर आर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट पीपल, दे शुड बी प्रमोटेड एज हाई कोर्ट जजेस। ऑफ कोर्स इट विल बूस्ट द मोरल ऑफ दीज जजेस। पैरा, इन फैक्ट वी हैव सीन दैट मैनी सुप्रीम कोर्ट जजेस हु आर डूइंग वेरी वेल हैव बीन प्रमोटेड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट जुडिशियरी। आई वुड लाइक टू गिव सम एग्जाम्पल्स। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज एट वन टाइम सेशन जज। अनदर जज स्टार्टेड हिज करियर एज अ सबऑर्डिनेट जज। सिमिलरली माई फ्रेंड स्टार्टेड हिज करियर एज अ सिविल जज। देयर आर मैनी अ सच इंस्टांसेस। आई कुड इवन साइट द एग्जाम्पल ऑफ अनदर जज हु डिलीवर्ड दैट फेमस जजमेंट।
he was also a district judge and he was a promotee judge in the high court. Therefore, my point is sufficient efforts should be made to give incentive to subordinate judiciary. The Honorable Law Minister has analyzed the disease and he has found that all these backlogs or arrears are primarily due to the vacancies in the high courts. He has also said that the judge strength is not as much as it should be, and by way of an example, he said about the Karnataka High Court, where the sanctioned strength is 14 plus 3 additional judges. This comes to 17, but their requirement is 33. Similarly, if you work out the requirement of judges in each high court, taking into consideration the quota of disposal fixed by the Chief Justice's conference, namely 650 per year, we find that the judges' strength in each high court has to be increased every year. This is because the arrears go on mounting up. This is a constant problem. Every year we cannot go on speaking about this. It is necessary that efforts should be made to tackle this problem of arrears, and this can only be done by appointing suitable number of judges. Para, in this connection, I would like to point out one thing. I could not understand one thing which the Honorable Law Minister said in the course of his answers the other day. He said that proper judges were not appointed. I could not really understand what he meant by the words proper judges. For the appointment of judges, there is a specific provision in the Constitution. Certain minimum qualifications must be there. Firstly, a recommendation is made by the state government in consultation with the Chief Justice of the concerned High Court. Then the appointment is made. All this is known to the Honorable Law Minister. The same procedure has been followed. Therefore, when he made this observation that proper judges were not appointed, I would expect a gentleman like my friend, who now occupies the office of the Law Minister, not to make such statements which may create confusion in the minds of the people and the House. Stop.